1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 में कुछ संशोधन किया गया, जिसे 1781 का संशोधित अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध उन कार्यों के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किए हों। जैसे सीबीआई के अधिकारी ने किसी को अरेस्ट किया, किसी बड़े नेता को, तो उस सीबीआई अधिकारी के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। फर्स्ट वन पॉइंट क्या है इसका, कंपनी के राजस्व कलेक्टरों एवं कानूनी अधिकारियों को भी सरकारी अधिकारी के रूप में किए गए कार्यों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से मुक्त कर दिया गया। सेकंड, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के सदस्यों को भी उन्मुक्तता प्रदान की गई। थर्ड, कानून बनाते समय तथा उनका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा आर्थिक रीति रिवाजों का सम्मान किए जाने के उपरांत बंगाल में एक प्रशासन मंडल गठित किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। ये पार्षद नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से संबद्ध थे। इस मंडल में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रशासक मंडल में वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लेवरिंग, मानसन, बर्वेल, फिलिप फ्रांसिस को पार्षदों के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष था तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर इन्हें हटाया भी जा सकता था या इन्हें आगे भी पदोन्नति हो सकती थी। 6, कानून बनाने के अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया गया। परिषद जो थी काउंसिल थी, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पहले भारत के सचिव से अनुमति प्राप्त करना काफी इंपॉर्टेंट था। 7, बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम्स की प्रेसिडेंसी के असैनिक तथा सैनिक शासन का अधिकार था और कुछ विशेष मामलों में बंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों का भी अधीक्षण भी कर